मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता वाली बैठक को लेकर जिस तरीके से सस्पेंस रख रहे हैं उससे उनके अपने ही नेता फिलहाल परेशान दिख रहे हैं। 23 जून को राजधानी पटना में बैठक होनी है लेकिन बैठक के जगह को लेकर अब तक वापोह की स्थिति बनी हुई है। गठबंधन के किसी भी नेता के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि बैठक कहाँ होगी। गठबंधन के साथियों से जब सवाल पूछा जाता है कि बैठक का जगह कौन सा है तो कहते हैं कि नीतीश से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार जीताराम मांझी के वजह से इस तरीके से सहमे हुए हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि बैठक के पहले कोई प्लान लीक हो जाए और बीजेपी तक उस बैठक की तमाम जानकारी पहुंच जाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पटना में विपक्षी एकजुटता वाले नेताओं के आने से ठीक पहले नीतीश तमिलनाडु जा रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और वापस लौटेंगे। 23 जून की बैठक के लिए 22 जून को ही मेहमान आने लगेंगे लेकिन नीतीश कुमार अब तक स्पष्ट नहीं किए हैं कि जो आएंगे वो कहाँ रुकेंगे और कहाँ कार्यक्रम होगा। कई तरीके की चर्चा की जा रही है। चर्चा जीतनराम मांझी के गठबंधन छोड़ने के बाद से और तेज हो गया है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि महागठबंधन की बैठक अगर विपक्षी दलों की बैठक होती तो जीतनराम मांझी उस बैठक की तमाम बातें लीक कर देते हैं, बीजेपी को जाके बता देते हैं। और मांझी के जाने के बाद नीतीश कुमार को अब भी आने वाले नेताओं के साथ साथ गठबंधन के अंदर जो शेष दल बचे हुए हैं उन पर नीतीश को भरोसा नहीं है, तभी तो ना खुलकर कोई यह बताने के लिए आगे आ रहा है और ना ही कोई इस सवाल पर बोलना चाह रहा है कि आखिर जब देश भर के नेता पटना में जुटेंगे तो वो बैठेंगे कहाँ, कहाँ रणनीति बनेगी। नीतीश कुमार सबसे सेफ जोन की तलाश में है जहाँ नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर कोई तीसरा शख्स नहीं जाए। इस बैठक को नीतीश कुमार काफ़ी गोपनीय तरीके से करना चाहते हैं। जो रणनीति बनेगी विपक्षी दल के नेताओं के साथ उसकी भनक बीजेपी के नेताओं को कानो कान नहीं लगे, इसकी तैयारी की जा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुपचुप तरीके से रणनीति बनाई जाए। इसके पीछे नीतीश कुमार का डर है वो भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार जो एजेंडा रखना चाहते हैं उस पे अगर विपक्षी दल के नेताओं की सहमति नहीं बनती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई तीसरा हवाला दे दिया जाएगा। बात नहीं बनने पर, बात बन भी जाएगी तो नीतीश नहीं चाहेंगे कि जब तक सभी नेता उस मुहिम से जुड़े नहीं तब तक अंदर की बातें बाहर बताई जाए। अगर नीतीश कुमार के नाम पर सभी नेता सहमत नहीं होते हैं तब भी नीतीश नहीं चाहेंगे कि उनकी बेइज्जती हो जाए, उनकी फजीहत हो जाए। लिहाजा नीतीश ये तमाम चीज़ें एक ऐसे जगह पर करना चाहते हैं जहां की बातें बाहर नहीं आ पाए। काफ़ी सुरक्षित जगह मानी जाएगी, ऐसे जगह की तलाश है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास अब तक नीतीश कुमार को सबसे महफूज जगह दिखाई दे रहा है। तभी तो पिछली बैठक को लेकर जो बातें बापू सभागार को लेकर की जा रही थी अब उस बैठक को लेकर कोई तैयारी वहाँ नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री निकलते हैं तो सर्किट हाउस पहुँच जाते हैं घूमने के लिए। नीतीश कुमार तो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर भी पहुँच जाते हैं, जो कर्पूरी सभागार बना है उसके चारों तरफ का मुआयना करते हैं कि अगर बात नीतीश कुमार के सीएम हाउस वाले दफ्तर में नहीं बनती है, सहमति बाकी नेता नहीं देते हैं तो जेडीयू दफ्तर के अंदर बैठक करने पर सहमति बना ली जाए। नीतीश दो विकल्प को लेकर चल रहे हैं, एक सीएम हाउस जो सबसे महफूज नीतीश कुमार की नज़रों में है, दूसरा जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर और नीतीश कुमार का कार्यालय। अब इसकी
छानबीन की गई है कि किस तरीके से आने वाले लोगों की बात बंद कमरों में ही रह जाए। इसके लिए जो कमी नीतीश कुमार को देखी थी, नीतीश ने उसी वक्त फ़ोन करके अधिकारियों को, मंत्रियों को फ़ोन करके बता दिया, जो काम अधूरे पड़े थे उसे पूरा करने का निर्देश भी दे दिया। ये बता रहा है कि नीतीश किस तरीके से इस बैठक को लेकर सजग अपने आप को दिखा रहे हैं। इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। जिस दिन बैठक का ऐलान हुआ उस दिन तेजस्वी यादव और ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस इतनी ही जानकारी दिए कि बैठक 23 जून को होने वाली है। किस जगह पर होगी यह सवाल ललन और तेजस्वी दोनों टाल गए। कांग्रेस के नेता भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, फिर भी कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं है कि राहुल पटना आएंगे तो जाएंगे कहाँ। यही वजह है कि राहुल गांधी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सीधे एयरपोर्ट से दूसरे नेताओं के साथ सदाकत आश्रम पहुंचेंगे, जहां ठहरेंगे, पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद मीटिंग के जगह पर राहुल और खड़गे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बैठक में चंद घंटे बाकी हैं लेकिन जगह अब तक नीतीश तय नहीं कर पाए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।